मुहर्रम और गणेश उत्सव पर्व को सकुशल संपन्न होने पर इमाम चौक मुतवली एक्शन कमेटी के सदस्यों ने गुरुवार को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे तथा पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह को उनके कार्यालय में बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा कि आवाम और प्रशासन के सहयोग से कमेटी ने दिन रात एक करके लोगों को एकजहती और शांतिपूर्ण वातावरण में त्यौहार को मनाने की अपील करती रही, जिसका परिणाम यह रहा कि कमेटी को लोगों ने सर आंखों पर बैठाकर कमेटी और प्रशासन की एक एक बात को मानने के लिए तैयार रहे और त्योहारों में गंगा जमनी तहजीब देखने को मिली। इस मौके पर मुर्तजा हुसैन रहमानी, आबिद अली, डॉक्टर एम सिराज सलमानी, मोमिन अली सिद्दीकी, कृष्णा यादव, अजहरुन स्वीटी, मिनहाज सिद्दीकी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सर ये बताइए, आप ही के हौसले से कमेटी ने इतना काम किया, आप हम लोगों के अभिभावक के रूप में हम लोगों के सर बतौर गार्जियन ना सर इस कमेटी के, और सर वहाँ पे वो क्या बोलते हैं खास पे हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था और बहुत लोग उत्साहित थे, बड़ा प्रसन्न थे। केवल दो जगह अच्छा काम हुआ, खास के आप लोगों ने किया और उस पर घासी कटरा मिया साहब का किए, घासी कटरा भी तो सर आपकी प्रेरणा से सब हुआ है। ये तो अचानक प्रोग्राम में सर एक बैग बना और बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन सर सब मिला कि प्रोग्राम हम लोग उसी तरह करेंगे, आप जाइए सारा और दीपावली में आपको बता देंगे। अनुराग सिंह बघेल, क्या ये बेटी क्या करना होता है क्या अब्दुल्ला? इमाम चौक मुतवली एक्शन कमेटी जिला अध्यक्ष, डीएम को हमने सम्मानित इसलिए किया है कि वो मुहर्रम और गणेश पूजा दोनों त्यौहार बहुत ही शांतिप्रिय माहौल में हिंदू मुस्लिम मतलब एकजुट होकर दोनों त्यौहार को मनाए, और इमाम चौक मुतवली एक्शन कमेटी ने गणेश पूजा समिति का नखास चौराहे पर आज़ादी के बाद पहली बार मतलब कम से कम 100 की संख्या में टोपी लगाकर और गणेश पूजा समिति के लोगों को पानी और मीठा खिलाकर सम्मानित किए हैं। ये बहुत बड़ा गंगा जमनी तहजीब जो है शहर में गया है और गुलाब की पंखुड़ी भी दी गई है।